सो हेलो हाय नमस्ते आदाब फ्रेंड्स, मैं हूँ लुब्धक और लुब्धक वर्कशॉप में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं एक एलईडी बल्ब बनाऊंगा जो मोशन डिटेक्टर सेंसर वाला एलईडी बल्ब होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऊपर यहाँ पे देख सकते हो, मैं थोड़ा सा क्लियर करके दिखा दे रहा हूँ। ये है PIR मोशन डिटेक्टर सेंसर है यहाँ पे। तो PIR मोशन डिटेक्टर सेंसर के ऊपर मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, तो उस वीडियो में मैं इसके बारे में बता चुका हूँ किस तरह से काम करता है, मतलब इंटरनली और आउटर साइड से वो कैसे काम करता है, सर्किट कैसे होता है, पूरा डिटेल्स में मैं वीडियो बना चुका हूँ। जो लोग वीडियो नहीं देखे हैं उनके लिए मैं लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आई बटन में भी छोड़ दूंगा लिंक, आप वहां से जाके देख सकते हो। और आज के इस वीडियो में मैं ये बल्ब कैसे बनाया हूँ ये भी मैं ये बताऊंगा, कौन सा सर्किट इसमें चाहिए इसको बनाने के लिए वो भी मैं दिखाऊंगा। सर्किट डायग्राम भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। जो लोग नए हैं उनके लिए, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स में जो लोग नए हैं उनके लिए मैं सर्किट डायग्राम भी छोड़ दूंगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले PIR मोशन डिटेक्टर सेंसर, तो ये सेंसर हमें चाहिए। तो ये सेंसर के बारे में ही मैं पिछले एक वीडियो बना चुका हूँ, उसमें इसके बारे में डिटेल्स में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, आप जाके वीडियो देख सकते हो। ये एक कनेक्टर है, ये फीमेल कनेक्टर है, इसको यहाँ पे मैं लगाऊंगा। तो यहाँ पे 4 पिन है, हमें चाहिए 3 पिन, तो एक मैं बाद में काट के साइड कर दूंगा, ठीक है। ये है 5 वोल्ट SMPS सर्किट, ठीक है। तो इसका मैं यूज़ कर रहा हूँ आज के इस वीडियो में। आप इस वाला जो SMPS है 5 वोल्ट का, ये भी है 5 वोल्ट, तो इसका भी यूज़ कर सकते हो आप, लेकिन मैं जो हाउसिंग यूज़ कर रहा हूँ इसमें बड़ा वाला जो सर्किट है ये नहीं आएगा, इसीलिए मैं छोटा वाला सर्किट ही यूज़ करूँगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं छोटा वाला जो 5 वोल्ट SMPS है इसका यूज़ यहाँ पे करूँगा। तो हाउसिंग आप इस तरह से भी यूज़ कर सकते हो, ये वाला हाउसिंग भी आप यूज़ कर सकते हो। इसके अंदर आपको एक एल्युमिनियम का हीट सिंक मिल जाता है, ये वाला जो है ये वाला भी आप यूज़ कर सकते हो इस तरह से। तो ये पुराना वाला एलईडी में होता था, मैं इस वाला एलईडी हाउसिंग में यूज़ करूँगा, इसमें हीट सिंक नहीं है। यहाँ पे ये है एलईडी का ड्राइवर है, तो 9 वोल्ट का मैं एलईडी यूज़ करूँगा, यहाँ पे एलईडी स्ट्रिप MCBCB। तो यहाँ पे छोटा वाला मैं सर्किट यूज़ करूँगा, क्योंकि सर्किट छोटा होगा तो अपना जो हाउसिंग है उसके अंदर सही से आ जाएगा, बड़ा वाला भी आ जाएगा ये वाला, लेकिन मैं ज़्यादा वेट नहीं करना चाहता इसको। और छोटा वाला अगर मैं लगाऊंगा तो इसके अंदर दो दो सर्किट आने वाला है, तो छोटा वाला जाएगा तो सही से ये फिट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इस हाउसिंग के साथ ये वाला एक इसको कैप कह सकते हो आप, प्लास्टिक का, इसको टिक्की भी कह सकते हो आप। तो इसके ऊपर मैं क्या करूँ, ये एक हाउस मतलब हीट सिंक मैं यूज़ करूँगा। ये हीट सिंक है 12 वोल्ट का हीट सिंक है, लेकिन 12 वाट का हीट सिंक है, तो 12 वाट का ये मेरे पास MCBCB नहीं है। तो यहाँ पे मैं एक छोटा सा होल कर लिया हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो इस यहाँ पे। तो यहाँ पे एक स्क्रू से मैं इसको टाइट करूँगा, इसलिए मैं होल कर लिया हूँ। तो होल आप ड्रिलर से कर सकते हो, या स्क्रू ड्राइवर के साथ जो आता है ना नोकीला सा, तो उससे भी कर सकते हो। ये वाला ये देख सकते हो, अब ये स्क्रू ड्राइवर के साथ आता है ये नोकीला सा, इससे भी आप कर सकते हो होल, ठीक है। एल्युमिनियम है, पतला होता है, तो इससे आप होल कर सकते हो। यहाँ पे इसको मैं लगा दूंगा स्क्रू से, ठीक है।
अभी इसके ऊपर मेरे पास 12 वाट का MCVCB नहीं है, तो इसीलिए मैं 9 का MCVCB यूज़ करूँगा। 9 के साथ मैं हीट सिंक भी यूज़ करूँगा, ठीक है, क्योंकि हीट सिंक अपना जो हाउसिंग है उसमें हीट सिंक नहीं है, इसीलिए तो ज़्यादा हीट सिंक होगा तो अच्छा होगा। यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूँगा, अभी ये जो हीट सिंक है इसके ये जो दो स्क्रू है यहाँ पे, तो ये जो स्क्रू है स्क्रू के एक स्क्रू आप देख सकते हो यहाँ पे सेट है, और एक स्क्रू ये सेट है, और ये वाला स्क्रू ये लंबा है थोड़ा सा। अभी लंबा स्क्रू क्यों है, देखिए ये जो नीचे वाला जो बड़ा वाला हीट सिंक है इसके ये एक स्क्रू लगाने का जगह पे यहाँ पे मैं इसको सेट कर दूँगा यहाँ से, ठीक है, इसको सेट कर दूँगा तो ये अच्छी तरीके से यहाँ पे सेट हो जाएगा, ठीक है। अभी दो दो मैं हीट सिंक यहाँ पे यूज़ करूँगा। अभी क्यों यूज़ कर रहा हूँ दो दो, क्योंकि अपना जो हाउसिंग है यहाँ पे हाउसिंग का बॉडी में कोई हीट सिंक नहीं है इसीलिए, ठीक है, तो मतलब जितना ज़्यादा हीट सिंक होगा उतना लाइफ ज़्यादा होगा अपने के जो बल्ब है उसका, ठीक है। तो यहाँ पे एक हीट सिंक मैं लगा लिया हूँ, ये वाला छोटा वाला हीट सिंक भी मैं लगाऊंगा अभी। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा मैं वीडियो को फास्ट कर दूंगा, तो इसको क्या करना है यहाँ पे लगा लेना है, ठीक है, मैं थोड़ा सा फास्ट करता हूँ वीडियो को। तो यहाँ पे इसको स्क्रू ड्राइवर से टाइट करना है, ठीक है, तो यहाँ पे टाइट हो चुका है, तो दोनों अपना दोनों हीट सिंक अच्छी तरीके से टाइट करना है, ठीक है, ये हो चुका है, ओके। तो अभी क्या करना है, ये देखिए ये हाउसिंग के ऊपर ए वाला लगेगा और उसके ऊपर ये डिफ्यूज़र जो है ए लगेगा उसके ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ करना है हमें, ये डिफ्यूज़र के ऊपर यहाँ पे छेद करना है। अभी किस लिए छेद करना है वो भी मैं बताऊँगा। यह PIR जो सेंसर है उसको यहाँ से निकलना है, ठीक है। अभी किस तरह से एकदम सेंटर जो है वहाँ पे छेद कैसे करोगे वो भी मैं दिखाऊंगा। देखिए एक कंपास है, ठीक है, तो कंपास से मैं छेद करके एक बार दिखाया था पिछला एक वीडियो में बनाया था म्यूजिक बल्ब, उसमें मैं दिखा दिया था, आज फिर से एक बार दिखा रहा हूँ यहाँ पे। तो कोई भी डिस्टेंस आप यहाँ पे ले लो, ठीक है, और ऐसे छोटे 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 करके आपको यहाँ पे मार्क करते हुए जाना है, ठीक है। तो मतलब एक सर्कल जैसा हो जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हो सर्कल जैसा हो चुका है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये बहुत बड़ा एक सर्कल हुआ है। तो अपना जो लेंस है PIR का, तो लेंस छोटा पड़ रहा है, तो यहाँ पे हमें कुछ नहीं थोड़ा सा डिस्टेंस ज़्यादा कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये ज़्यादा हो गया, तो अभी फिर से यहाँ पे मैं मार्क करके और एक सर्कल बना लूँगा। यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूँ, ये हो चुका है, ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूँ, ये देखिए छोटा सा एक हो चुका है। यहाँ पे छोटा अगर आपका सर्कल होगा तो आप बाद में उसको काट के बड़ा कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा बड़ा अगर सर्कल हो जाएगा तो फिर आपका ये दिखने में भी अच्छा नहीं लगेगा और ये आपका सेंसर भी गिर जाएगा वहाँ से, ठीक है। तो इसको होल करने के लिए आप आपका जो सोल्डरिंग आयरन यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे मैं काट लिया हूँ यहाँ पे, ठीक है, और इसके अंदर ये अपना जो लेंस है उसको लगा के मैं दिख रहा हूँ यहाँ पे। तो ये देखिए एकदम सेट हो चुका है, ठीक है, एकदम सेट हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप चाहो तो ग्लू लगा सकते हो। इसके ऊपर हमें जो अपना ये जो मॉड्यूल है इसको लगाना है, तो आप यहाँ पे मैं लगा के जस्ट चेक कर रहा हूँ कि ये गिर रहा है या नहीं। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा देख भी सकते हो इस तरह से, मैं जैसे मैं दिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे आप ग्लू लगा के इसको, अगर गिर जाए तो फिर आप ग्लू लगा के इसको सेट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा जो था वो सही से सेट हो चुका था। यहाँ पे मैं 3 वायर यूज़ करूँगा, एक है रेड, एक है ब्लू और एक है येलो।
यहाँ पे मैं तीन पिन वाला कनेक्टर ले लिया हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये फीमेल कनेक्टर है। तो यहाँ पे इसको मैं क्यों लिया हूँ वो तो आपको पहले बता चुका हूँ मैं। जो अपना PIR सेंसर है उसका ये जो कनेक्ट करना है उसके साथ, इसलिए। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं बताऊँगा, अभी खोल के मैं लेंस को खोल के दिखाऊँगा। यहाँ पे जो VCC है, VCC में रेड वाला वायर मैं दूंगा, आउटपुट में येलो दूंगा और ग्राउंड में ब्लू दूंगा, ठीक है। इस तरह से करना है। तो अभी मैं इसको सोल्डर करके, इसको यहाँ पे आप देख सकते हो मैं सोल्डर कर चुका हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो इसको सिर्फ कनेक्ट करना है और यूज़ करना है, ठीक है। यहाँ पे मैं कनेक्ट करके एक बार दिखा भी दूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ये कनेक्ट हो चुका है, ठीक है। अभी इसका जो मतलब इसका लेंस है उसको अभी मैं लगा दूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यह है अपना हाउसिंग। से यहाँ से जो AC सप्लाई आता है, ये AC का जो दो वायर है, ये लाइन और न्यूट्रल। तो यह है अपना जो 5 वोल्ट का SMPS सर्किट। तो इसका मैं क्या किया हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो न्यूट्रल से एक रेड वायर यहाँ से मैं निकाल लिया हूँ, ये देख सकते हो आप, ये छोटा सा, ठीक है। अभी क्यों निकाला इसका भी मैं बता दूंगा। यहाँ पे ये जो है, ये है अपना जो ड्राइवर है, LED का जो ड्राइवर है MCV का, तो इसका, ठीक है। तो ये जो रेड और वाइट का जो ये वायर है, ये लगेगा अपना MCV में। अभी ये जो AC का जो दो वाइट वाला वायर है, इनमें से कोई भी एक को, कोई एक को हम क्या करेंगे, ये रेड वाला जो वायर है, जो मतलब मैं 5 वोल्ट SMPS से निकाला था, उसके साथ मैं जोड़ दूंगा, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको जोड़ के इसको टेपिंग कर दूंगा, ठीक है। अभी दूसरा जो है उसको मैं अभी नहीं निकालूंगा, मतलब नहीं जोड़ूंगा। इसको मैं क्या करूंगा, इसको हमें मतलब रिले से होके लेके आना है, ठीक है। तो रिले का कनेक्शन मैं बता दूंगा अभी। ये दो लगेगा अपना MCV में, ठीक है। ये है MCV, अच्छा। ये एक्स्ट्रा जो बचा है ये रिले में लगेगा। और ये दो जो वायर है, यहाँ पे येलो है पॉजिटिव और ये ब्लू है नेगेटिव, ये दो है 5 वोल्ट का कनेक्शन, ठीक है। 5 वोल्ट SMPS है ये, ठीक है। तो अभी मैं रिले का कनेक्शन दिखा देता हूँ कैसे उसका सर्किट बनाना है। देखिए, ये मैं यूज़ कर रहा हूँ 5 वोल्ट का रिले, ठीक है। 5 वोल्ट का रिले मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे सर्किट मैं थोड़ा सा बता दूँ। देखिए, यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर मैं यूज़ कर रहा हूँ, NPN ट्रांजिस्टर BC547। तो आप यहाँ पे कोई भी NPN ट्रांजिस्टर यूज़ कर सकते हो। तो 547 जो है, पहला वाला होता है कलेक्टर, दूसरा बेस और तीसरा होता है एमिटर, ठीक है। तो कलेक्टर को मैं यूज लगाया हूँ जो रिले का कॉयल है, कॉयल के एक तरफ, ठीक है। और बाकी वायर का बाद में बताऊँगा, बाकी कनेक्शन। यहाँ पे जो कॉयल है, कॉयल में मैं क्या किया हूँ, एक डायोड लगाया हूँ यहाँ पे, आप देख सकते हो ये बीच में, ठीक है। ये 4007 का डायोड है, ठीक है। ये 4007 का डायोड है। डायोड का जो मतलब ये दाग वाला हिस्सा है, आप देख सकते हो ये निशान वाला जो हिस्सा है, इसको मैं जिस तरफ लगाया हूँ यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, और ये रिले ट्रांजिस्टर का एमिटर्स में ग्राउंड आएगा, ठीक है। और ये जो बेस है, बेस में रेजिस्टेंट है, रेजिस्टेंट यहाँ पे रेजिस्टेंट आप दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते, आपके मर्जी, ठीक है। और वहाँ पे आउटपुट लगेगा अपना जो PIR सेंसर है उसका आउटपुट, ये येलो वाला वायर यहाँ पे लगेगा, ठीक है। मतलब ये येलो वाला वायर को आपको ये रेजिस्टेंट के यहाँ पे लगाना है, ठीक है। यहाँ पे रेजिस्टेंट आप चाहो तो ना भी लगाओ तब तो भी चलेगा, क्योंकि PIR सेंसर जो होता है यहाँ से 3.3 वोल्ट से ज़्यादा इसमें नहीं आता।
यहाँ पे ये पॉजिटिव लाल वाला और नेगेटिव ब्लू वाला, इसको हम लगाएंगे कहाँ पे देख लीजिए, ये पॉजिटिव लगाएंगे रिले का कॉयल में यहाँ पे, और नेगेटिव लगेगा ट्रांजिस्टर का एमिटर में। ठीक है ठीक है, इस तरह से लगाना है। पॉजिटिव लगेगा जो डायोड है, डायोड का जो दाग वाला हिस्सा है वहाँ पे, और साथ साथ ये भी यहाँ से ये SMPS का ये सप्लाई भी वहाँ पे लगेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, 5 वोल्ट SMPS, वो मैं बाद में दिखाऊंगा। अभी यहाँ पे देख सकते हो आप, ये अपना सेंसर जो है PIR सेंसर, वो लगता है ऊपर से। तो इसका जो कनेक्टर हमने बनाया है यहाँ पे, उसको हमें ऊपर से लगाना होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से ऊपर में ये लगेगा यहाँ से, तो इसका वायर को हमें ऊपर से नीचे डालना है। तो ये जो छेद है यहाँ से निकालना होगा ये 3 वायर। ठीक है, उसके बाद हमें सर्किट के साथ उसको जोड़ना होगा। और एक चीज़ है, ये जो MCPCB है उसका ये जो वायर है, मतलब ड्राइवर से जो आउटपुट होता है ये पॉजिटिव नेगेटिव LED ड्राइवर से, उसका ये दो वायर जो है, ये दो वायर नीचे से ऊपर आएगा। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे डाल लूँगा नीचे से, इसको मैं यहाँ पे स्लिप कट रहा है यहाँ पे। ओके, तो इसको मैं नीचे से ऊपर कर लूँगा यहाँ पे। ठीक है, और ये 3 जो वायर है यहाँ पे, इसको ऊपर से मैं नीचे कर लूँगा यहाँ पे। ठीक है, तो जितना ज़रूरत है उतना ही मैं नीचे करूँगा वायर यहाँ से। ठीक है, ज़्यादा नीचे नहीं करना है यहाँ पे, नहीं तो बाद में प्रॉब्लम हो सकता है इसीलिए। ओके, अभी एक काम करना है, वो है कि ये जो दो वायर मैं नीचे से ऊपर लेके आया हूँ, मतलब उसको MCPCB में मुझे सोल्डर करना है। ठीक है, तो पॉजिटिव को पॉजिटिव, नेगेटिव को नेगेटिव में मैं सोल्डर कर लूँगा। तो ये है पॉजिटिव का, तो इसको मैं सोल्डर करूँगा। ये हो गया है यहाँ पे एक, और ये नेगेटिव, तो नेगेटिव का भी सोल्डर यहाँ पे, ये नेगेटिव का सोल्डर भी यहाँ पे हो चुका है। ठीक है ओके, तो ये 3 वायर यहाँ से मैं निकाला हूँ। ये है अपना कनेक्टर का जो 3 वायर है, मतलब PIR सेंसर का। तो रेड वाला है पॉजिटिव, ब्लू वाला है नेगेटिव, येलो है आउटपुट। तो यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव को मैं क्या करूँगा, 5 वोल्ट SMPS जो है उसका पॉजिटिव यानी कि ये येलो वाला, इसके साथ कनेक्ट करूँगा, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव एक साथ, और नेगेटिव नेगेटिव एक साथ होगा, नेगेटिव यानी कि दोनों का ही ब्लू वायर। ठीक है, अभी ये जो पॉजिटिव है इसको हम लगाएंगे रिले में, रिले का जो डायोड जहाँ पे लगा है, ये दाग वाला जो हिस्सा है यहाँ पे। ठीक है, ये रिले का कॉयल है। ठीक है, यहाँ पे ये पॉजिटिव लगेगा, और नेगेटिव लगेगा ट्रांजिस्टर का एमिटर में। ठीक है, एमिटर में। ओके, तो अभी इसको मैं कनेक्शन कर लूँगा यहाँ पे। तो यहाँ पे कनेक्शन हो चुका है, तो मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे, देख सकते हो ये डायोड का जो निशान वाला हिस्सा है वहाँ पे, यहाँ पे दोनों का पॉजिटिव है, मैं SMPS और PIR सेंसर का पॉजिटिव, और ट्रांजिस्टर का जो एमिटर है यहाँ पे दोनों का ही नेगेटिव। ठीक है, अभी ट्रांजिस्टर के यहाँ पे ये जो 150 का रेजिस्टेंस मैं लगाया हूँ, इसके यहाँ पे कनेक्शन बाकी है। ठीक है, यहाँ पे क्या लगेगा, आउटपुट। तो PIR का जो आउटपुट है, PIR मोशन सेंसर जो है उसका आउटपुट ये कनेक्टर से निकाला हूँ मैं येलो वायर से। ठीक है, तो ये येलो वायर मैं लगाऊंगा, इसको मैं निकाल के ये रेजिस्टेंस में लगा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे सोल्डर यहाँ पे मैं कर लिया हूँ। ठीक है, सोल्डर कर चुका हूँ, तो यहाँ पे कनेक्शन पूरा हो चुका है। अभी AC का 2 कनेक्शन बाकी है, यहाँ पे देख सकते हो ये रिले का ये कॉमन, और नॉर्मली जो ओपन है वहाँ पे एक ये नॉर्मल ओपन है। ठीक है, थोड़ा सा मैं क्लियर करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए नॉर्मल कॉमन और नॉर्मल ओपन, ये दो वायर आया है। ठीक है, एक
और एक, ये दो रेड वायर, इसको कनेक्शन करना है। इसको कनेक्शन हम क्या पे करेंगे, देखिए ये है अपना एलईडी ड्राइवर, ठीक है। एलईडी ड्राइवर का जो वाइट हिस्सा, एलईडी का जो एसी वाला, उसका जो वाइट वायर में एसी का खुला छोड़ा था, उसमें एक वायर लगेगा, ये रेड वायर, ठीक है। कोई भी एक आप लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों का कोई भी एक वायर लगा दो यहाँ पे, ठीक है। मतलब यहाँ से क्या होगा, रिले में सप्लाई जाएगा, रिले से स्विचिंग होगा, ठीक है। अच्छा, रिले का ये जो दूसरा हिस्सा है उसको हमें एसी सप्लाई देना है। तो एसी यानी यहाँ पे आप देख सकते हो न्यूट्रल तो चला गया, तो फेज जाना है। तो यहाँ पे फेज, यहाँ पे देखिए ये फेज खुला है, यहाँ पे ये न्यूट्रल गया है यहाँ से, ठीक है। तो लाइन में जो खाली था वहाँ पे लगाएंगे। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 5 वोल्ट SMPS का ए वाला जो पॉइंट है यहाँ पे, इसको सोल्डर कर दूँगा यहाँ पे, ठीक है। तो और यहाँ से तो पहले लिया था वायर जो न्यूट्रल सा न्यूट्रल था वहाँ से, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे सोल्डर कर लूँगा। तो यहाँ पे अपना कनेक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा तब, ठीक है। तो यहाँ पे टेपिंग करना है, उसके बाद तो यह सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। ऊपर सिर्फ ये जो अपना PIR मोशन सेंसर है इसको लगाना है, तो बल्ब भी रेडी हो जाएगा। तो इतना सा मैं कर लेता हूँ अभी। यहाँ पे आप देख सकते हो ये सर्किट अपना कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको अभी सेट करना है, मतलब हाउसिंग के अंदर। तो यहाँ पे मैं सर्किट डायग्राम दे दिया हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो अभी मैं इसके अंदर बोथ साइड टेप से इन सर्किट को लगा लूँगा। तो यहाँ पे लगा लिया हूँ। अभी क्या करना है, ये जो रिले है इसके ये वायर जो है, मतलब इसके जो लेग है, इसको मैं टेप से मोड़ दिया हूँ। और यहाँ पे कागज़ देके इसको मैं सेट कर रहा हूँ, क्योंकि शॉर्ट सर्किट ना हो जाए इसीलिए। यहाँ पे PIR जो मोशन सेंसर है इसको मैं लगा लिया हूँ, और ये आप देख सकते हो ये कंप्लीट हो चुका है। इसको जो डिफ्यूज़र है, डिफ्यूज़र के ऊपर भी मैं इसको लगा लिया हूँ। अभी सिर्फ इसको लगा दूँगा तो अपना बल्ब जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अभी यहाँ पे बल्ब तो कंप्लीट हो चुका है, तो अभी इसको टेस्ट करना है। तो अभी चलते हैं टेस्ट करने को। तो ये जो होल्डर आप देख सकते हो, यहाँ पे एक बल्ब यहाँ पे जल रहा है, ठीक है। और ये है इसका स्विच, ठीक है। अभी मैं ऑफ़ करके दिखा रहा हूँ, ये ऑफ़ हो गया, ठीक है। तो यहाँ से कंट्रोल होता है, ठीक है। अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अपना जो PIR मोशन सेंसर वाला जो बल्ब है इसको यहाँ पे लगाऊँगा, ठीक है। और फिर हम देखेंगे ये कैसे काम करता है, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। तो यहाँ पे इसको, तो ये यहाँ पे हो चुका है। अभी मैं बटन ऑन करूँगा। तो यहाँ पे ऑन करते ही ये जल रहा है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा मोशन हुआ था इसीलिए। यहाँ पे ऑफ हो चुका है, अभी मैं हाथ हिला रहा हूँ तो ये देख सकते हो आप जल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मोशन हो रहा है, मतलब हाथ हिलाना पड़ रहा है इसीलिए जल रहा है। इसका एक रीज़न है क्योंकि बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा लाइट है। तो मैं लाइट को ऑफ कर दूंगा तो अच्छी तरीके से ये लाइट काम करेगा, ठीक है, मोशन को सेंस कर सकता है। तो अभी मैं क्या करूँगा, बैकग्राउंड का जो रोशनी है उसको ऑफ कर दूंगा लाइट को। तो अभी देख सकते हो आप, ये मैं हाथ को अभी ये बंद हो जाए तब मैं दिखाऊंगा। ये ऑफ हो गया, ठीक है, ये देख सकते हो आप अभी अच्छी तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अपना वीडियो जो है वो कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो भी लाइक करें वीडियो को, और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करें। कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। चैनल में नया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं,
ताकि नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। मैं मिलूंगा नेक्स्ट के अच्छे टॉपिक लेके नया वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, स्टे क्रिएटिव, थैंक यू।